हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम वीडियो लेके आए हैं वो पशुपालकों के बारे में है। दोस्तों, जैसे ही पशु का पार्चुशन का टाइम आता है तो जो किसान भाई हैं, पशुपालक हैं, वो काफी चिंताग्रस्त हो जाते हैं कि पशु का लिवान अच्छा उतरना चाहिए, पशु को कोई मिल्क फीवर, किटोसिस वगैरह बीमारी ना हो जाइए। तो इसके लिए दोस्तों, आज हमारे एक व्यूअर की तरफ से डिमांड आई थी, तो उसी के अनुसार हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रांसबेस्ट के बारे में। दोस्तों, जो ट्रांसबेस्ट है वो इंडिया के अंदर अमाइनो रिच न्यूट्रिएंट्स, जो कि एक नीदरलैंड की कंपनी है, उसकी तरफ से बनाया जाता है। दोस्तों, जो ट्रांसबेस्ट का मेन काम अडल्ट डेवलपमेंट तो है ही है, इसके अलावा कुछ इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, तो उसके बारे जानने से पहले हम बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट के बारे में। दोस्तों, जो ट्रांसबेस्ट है उसके अंदर अमाइनो एसिड्स, जिसके साथ में विटामिन्स, असेंशियल मिनरल्स, प्रोटीन और साथ में ईस्ट एक्ट्रैक्ट डाला हुआ है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांसबेस्ट के बेनिफिट के बारे में। दोस्तों, इसके काफी बेनिफिट्स है। जैसे ही हम पशु को ट्रांसबेस्ट देना चालू करते हैं, पशु के अंदर चमक आनी स्टार्ट हो जाती है, पशु है वो अपना हेल्थी दिखना स्टार्ट हो जाता है, और जैसे वो ब्याता है हम देखते हैं कि जो इसका बच्चा हुआ है, बच्ची हुई है, या जो भी बच्चा है वो काफी डेवलप है, उसके अंदर किसी तरह की न्यूट्रिशन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों, जैसे ही आप ट्रांसबेस्ट देना स्टार्ट करोगे तो पशु के अंदर जिसका ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पशु का एचबी लेवल है वो भी बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो पशु मिट्टी खाता है उसके अंदर सेट हो जाता है। और इसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं। ट्रांसबेस्ट देने से पशु का जो नेक्स्ट लैक्टेशन पीरियड है वो काफी अच्छा हो जाता है, पशु की दूध की प्रोडक्शन है वो काफी अच्छी हो जाती है, और पशु जल्दी हीट के अंदर भी आ जाता है। और साथ में एक्स्ट्रा बेनिफिट देखने में आया है, जो पशु जिनको हम ट्रांसबेस्ट देते हैं उसको किसी तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होती, उससे काफी प्रिवेंशन हो जाती है। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जैसे कि किटोसिस, मिल्क फीवर, फैट काउ सिंड्रोम आ जाता है, या हाइपर मैग्नीशियम आ जाता है। इसके अलावा ट्रांसबेस्ट बॉडी के अंदर कैटायन एनायन बैलेंस है उसको भी बिल्कुल मेंटेन रखता है, जो कि पशु को ट्रांसमिशन पीरियड के अंदर काफी सहायक होता है। साथ में जो भी बच्चा जिसको हमने पहले दिया होता है या बच्चा जो आने वाला होता है उसका बॉडी वेट काफी अच्छा होता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ट्रांसबेस्ट के साइज के बारे में। दोस्तों, जो ट्रांसबेस्ट है वो मार्केट के अंदर 500 ml और 1 लीटर की पैकिंग के अंदर अवेलेबल आता है। अब दोस्तों, हम बात करेंगे आपको ट्रांसबेस्ट की आपने कैसे देनी है। दोस्तों, ट्रांसबेस्ट स्टार्ट करने का जो एग्जैक्ट सही टाइम है वो बिहाने से 45 दिन पहले का है। दोस्तों, आप 45 दिन पहले 45 डेज पहले ट्रांसबेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। डेली की 50 ml आपने इसकी डोज देनी है और 20 दिन लगातार देनी है। इसके बाद आपने 5 दिन का गैप डालना है, 5 दिन ये दवा बंद कर देनी है, और उसके बाद फिर से आपने इसको स्टार्ट कर देनी है, वो कि नेक्स्ट 20 डेज के लिए। तो कुल मिला के आपने इसको 20 दिन एक बार देनी है, 5 दिन का गैप रखना है, और नेक्स्ट फिर 20 दिन आपने देनी है। और इसके अलावा आप डॉक्टर से और एक्स्ट्रा कोई भी सलाह ले सकते हैं कि आपने ट्रांसबेस्ट के हिसाब से बयान टाइम कैसे देनी है। दोस्तों, एक चीज एक्स्ट्रा मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसके बारे में है कि ट्रांसबेस्ट के अंदर एक स्मेल काफी आती है, ग्रीसी सी स्मेल आती है, जिस कारण कुछ पशुपालक तो कहते हैं कि हम इसको नहीं देंगे। तो दोस्तों, इसका मैं आपको तरीका बता सकता हूं। पशु को आपको किसी प्रकार का पशु जो दवा लेने के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है तो आप चाहे तो नाक के ऊपर सरसों का तेल लगा सकते हैं, जिससे कि पशु को स्मेल नहीं आएगी। या इसके अलावा आप दोस्तों ट्रांसबेस्ट है उसका एक एक ढक्कन 5-5 ml पशु के नाक के ऊपर आधे आधे घंटे बाद, घंटे घंटे बाद आप दिन में 5-6 बार लगाए, जिससे कि पशु को ट्रांसबेस्ट की ही स्मेल आती रहे, तो इससे आपको दवा देने के अंदर काफी सुखाई आ जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप किसी भी मेडिसिन का कोई भी रिव्यू चाहते हैं तो प्लीज नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।